वेलकम टू एजुकली। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके मॉर्निंग की शुरुआत हमारे साथ। दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ आपके लिए रोज का डबल डोज, जिसमें है एक कैप्सूल दो का दम। आज है 17 सितंबर, तो 17 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन पर हम डिटेल से बात करेंगे, और क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। आज के करंट अफेयर्स की PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पेज एवं टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करना ना भूलें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। और दोस्तों, कल का कैप्सूल लिया क्या? चलिए क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनाइटेड नेशन द्वारा किस देश की 5 भारतीय महिला पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया है? तो ये अपने देश भारत की। ऑप्शन बी राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र ने दक्षिणी सूडान में विश्व निकाय के मिशन में उल्लेखनीय सेवा देने वाली 5 भारतीय महिला अधिकारियों को सम्मानित किया है। उनमें हैं इंस्पेक्टर रीना यादव, SP गोपिका जहांगीरदार, DSP भारती सामंतरे, इंस्पेक्टर रागनी कुमारी और ASP कमल शेखावत शामिल हैं। इन सभी अधिकारियों को संयुक्त राष्ट्र मिशन में मेडल परेड में पदक दिए गए हैं। अब इनको सम्मानित किया है यूनाइटेड नेशन ने। तो UNO की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, जो है अमेरिका में। UNO के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने बेल्जियम इंटरनेशनल चैलेंज के पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो जीता है लक्ष्य सेन ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने बेल्जियम इंटरनेशनल चैलेंज के पुरुष एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्होंने खिताबी मुकाबले में दूसरी वरीयता प्राप्त डेनमार्क के विक्टर स्वेंसन को हराकर खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 15 सितंबर को। ऑप्शन सी राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2007 में 15 सितंबर का दिन अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाने के लिए चुना। इसका मुख्य उद्देश्य है कि सभी सरकारें नागरिकों के अधिकारों की सम्मान करें और लोगों को लोकतंत्र में महत्वपूर्ण और सार्थक भागीदारी प्रदान करें। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2019 की थीम है भागीदारी, तथा 15 सितंबर को ही अपने देश में इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। यह दिन देश के महान इंजीनियर भारत रत्न मोक्ष गुंडम विश्वासरिया से समर्पित है। इनको बेहतरीन कार्यों के लिए वर्ष 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने अपनी नई जर्सी को लॉन्च किया है? तो ये किया है अपने देश भारत की क्रिकेट टीम ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। भारतीय क्रिकेट टीम की नई जर्सी को कप्तान विराट कोहली एवं कोच रवि शास्त्री द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम जब दक्षिणी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज का आगाज करेगी, तो उसकी जर्सी पर चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड ओप्पो की जगह भारतीय ऑनलाइन लर्निंग ऐप बायजू का नाम दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे का निधन हुआ है? तो निधन हुआ है जिम्बाब्वे के पूर्व राष्ट्रपति का। ऑप्शन ए राइट आंसर। इनका निधन सिंगापुर के एक अस्पताल में हुआ था, ये 95 साल के थे। अब निधन हुआ है जिम्बाब्वे की राष्ट्रपति का, तो मैप में देखिए जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे। जिम्बाब्वे की करेंसी है अमेरिकी डॉलर एवं जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट हैं एमरसन मननगागवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा किडनी के मरीजों को 1 रुपये में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी? तो ये सुविधा दी है उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 3 चरणों में प्रत्येक जिले में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करवाएगा। पहले एवं दूसरे चरण में डायलिसिस की सुविधा शुरू की जा चुकी है। इसके बाद तीसरे चरण के लिए नवंबर तक डायलिसिस की सुविधा शुरू की जाएगी। अब ये सुविधा उत्तर प्रदेश ने शुरू की है, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ तथा गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये खिताब जीता है पंकज आडवाणी ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत के शीर्ष क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने थबे ओ को हराकर IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। इसके साथ ही पंकज आडवाणी 22वीं बार वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ADB द्वारा किस राज्य के साथ $20 करोड़ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए हैं महाराष्ट्र के साथ। ऑप्शन ए राइट आंसर। ADB यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक तथा महाराष्ट्र सरकार के इस समझौते का मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र को 34 जिलों की ग्रामीण सड़कों को पक्की सड़कों में परिवर्तित करना है। इससे सड़क सुरक्षा तथा बाजारों एवं सेवाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क ढांचा और बेहतर हो सकेगा। अब समझौता महाराष्ट्र सरकार ने किया है, तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी।
अब देखते हैं एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी, इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। इसका हेडक्वार्टर है मांडलू योंग में, यह है फिलीपींस में, और एडीबी के प्रेसिडेंट हैं टके हिको नकाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय मीडिया रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो यह किया गया है कृपा शंकर बिश्नोई को। ऑप्शन बी राइट आंसर। मध्य प्रदेश के विख्यात पहलवान कृपा शंकर बिश्नोई को राष्ट्र स्तर के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय मीडिया रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष ग्राउंड जीरो पर कार्य करने वाले पत्रकारों व मीडिया कर्मियों की ओर से उन लोगों को दिया जाता है जो पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के बीच हमेशा रहते हैं तथा उनके कार्य में हर संभव सहयोग देते हैं। ये अर्जुन और विक्रम पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। अब ये मध्य प्रदेश के हैं, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं कमलनाथ तथा मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं लालजी टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में द गार्डियन की 21वीं सदी की टॉप 100 सबसे बेहतरीन फिल्मों में किस भारतीय फिल्म को शामिल किया गया है? तो शामिल किया गया है गैंग्स ऑफ वासेपुर को। ऑप्शन ए राइट आंसर। फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर द गार्डियन की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय फिल्म है। फिल्म को सूची में 59वां स्थान मिला है। भारतीय सिनेमा के लिए इसे ऐतिहासिक पल कहा जा सकता है। द गार्डियन एक ब्रिटिश डेली न्यूज़पेपर है। अब देखते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव के तहत जन सूचना पोर्टल 2019 लॉन्च किया है? तो ये किया है राजस्थान सरकार ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में राजीव यानी राजस्थान इनोवेशन विजन के तहत जन सूचना पोर्टल 2019 लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर 23 योजनाओं एवं सेवाओं की सूचना मिलेगी। जब बात राजस्थान की है तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत एवं राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बदरुद्दीन यूसुफ हबीबी का निधन हुआ है? तो ये हुआ है इंडोनेशिया। ऑप्शन बी राइट आंसर। ये हैं बदरुद्दीन यूसुफ हबीबी। जब ये इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति थे तो मैप में देखिए इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, इसे हाल ही में चेंज करने का ऐलान किया है। इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो। अब आपके लिए आज के क्वेश्चन, इन क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है तथा इनके बारे में आपको डिटेल से लिखना है। क्वेश्चन के बारे में आप जितना ज़्यादा लिखोगे फिर आप वो कभी नहीं भूल पाओगे, तो आप इसकी हैबिट बना लीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में बेल आइकन भी दबा दें जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें तथा इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।